जानिए कौन था राजूपाल, जिसकी ले ली सरेआम जान। उमेश पाल से क्या है नाता? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिस तरह से उमेश पाल की सरेआम गोली मारकर जान ले ली गई, उसके पीछे सीधे सीधे नाम आया माफिया अतीक अहमद का, जिस पर योगी सरकार अब ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उमेश पाल की जान क्यों ली? आखिर क्यों बदमाशों ने उमेश पाल को गोली मारी? क्योंकि उमेश पाल राजू पाल की हत्या का मुख्य गवाह था। अब ये राजू पाल कौन है, आइए बताते हैं आपको तफसील से। दरअसल ये बात साल 2003 की है, जब प्रदेश की सत्ता बदली और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। तब तक अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम सीट से 5 बार विधायक बन चुका था और उसकी गुंडागर्दी और वर्चस्व कायम था। कोई भी उसके सामने खड़े होने की हिमाकत नहीं करता था। 2004 में लोकसभा का चुनाव हुआ और मुलायम सिंह यादव अब अतीक अहमद को प्रदेश की राजनीति से ऊपर उठाना चाहते थे, इसलिए फूलपुर सीट से उसे सांसद का चुनाव लड़वाया और अतीक अपने खौफ के दम पर विधायक से सांसद बन बैठा। अब अतीक की पारंपरिक सीट इलाहाबाद की पश्चिम खाली हो गई थी और बस यहीं से शुरू हुई माफिया अतीक अहमद और राजूपाल की दुश्मनी। राजूपाल भी इलाहाबाद पश्चिम का ही रहने वाला था। उस वक्त राजूपाल पर भी लूट अपहरण जैसे अपराधों में शामिल होने के आरोप लगे थे। राजूपाल इलाहाबाद के धूमनगंज थाने का हिस्ट्री शीटर भी था। उस दौर में राजूपाल अतीक अहमद का सबसे खास हुआ करता था और अपराध की दुनिया में उसका दाहिना हाथ कहलाया जाता था। लेकिन कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा आया कि ये दोनों अलग हो गए। दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई और खटपट शुरू हो गई। बताया जाता है कि साल 2002 में राजूपाल ने अतीक अहमद की देखा देखी राजनीति में एंट्री कर ली। इसके बाद से ही दोनों के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। साल 2004 में अतीक अहमद फूलपुर से सांसद बना तो इलाहाबाद शहर पश्चिम सीट खाली हो गई। उधर अतीक ने इस सीट से सपा के टिकट पर ही अपने छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को प्रत्याशी बनाया। दूसरी तरफ बसपा की टिकट पर राजूपाल ने पर्चा भर दिया। दोनों के बीच तलखी और बढ़ गई। इस उपचुनाव में राजूपाल ने अतीक के भाई अशरफ को हरा दिया। पहली बार अतीक को किसी ने टक्कर दी जो कि अतीक सहन नहीं कर पाया। विधायक बनने के 3 महीने बाद यानी करीब 15 जनवरी 2005 में राजूपाल ने पूजा पाल से शादी की। शादी के ठीक 10 दिन बाद 25 जनवरी को विधायक राजूपाल SRN हॉस्पिटल से निकला और उसके साथ 2 गाड़ियां क्वालिस और स्कॉर्पियो भी चल रही थी। राजूपाल अपने काफिले की क्वालिस कार को खुद ड्राइव कर रहा था। बगल वाली सीट पर उनके एक दोस्त की पत्नी रुखसाना बैठी थी जो उन्हें रास्ते में मिल गई थी। काफिला GT रोड पर था तभी बगल से एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने राजूपाल की गाड़ी को ओवरटेक किया और राजूपाल को गोली मारी। स्कॉर्पियो से 5 हमलावर उतरे और राजूपाल पर खूब गोलियां बरसाने लगे। बाकी 2 हमलावरों ने पीछे चल रही गाड़ियों पर भी गोलियां बरसाई। हमले के बाद राजूपाल के समर्थकों ने एक टेम्पो में राजूपाल को लादा और अस्पताल लेकर जाने लगे। इसी दौरान अपराधियों को लगा कि राजूपाल अभी जिंदा है तो उन सब ने तकरीबन 5 किलोमीटर तक उस टेम्पो का पीछा किया और फिर घेर कर गोलियां मारी। उन सभी को ये लग रहा था कि राजूपाल अभी मरा नहीं है और वो किसी भी हाल में राजूपाल को मारना चाहते थे। इस हमले में राजूपाल और उनके साथ बैठे संदीप यादव देवीलाल की जान चली गई। पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने राजू के शरीर से कुल 19 गोलियां निकाली थी। कहते हैं अतीक का खौफ इतना था कि पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम के बाद रातों रात शव का अंतिम संस्कार करवा दिया। इससे लोग और आक्रोशित हो उठे। राजूपाल की जान लेने के बाद कई दिनों तक शहर में हंगामा मचा, बवाल कटा। इस मामले ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। इस कांड का मुख्य गवाह उमेश पाल, जिसकी बीते हफ्ते अतीक के गुर्गों ने गोली मारकर और बम फेंक कर जान ले ली। बस ये थी कहानी राजूपाल, उमेश पाल और अतीक अहमद की। राजूपाल मामले में उमेश पाल मुख्य गवाह था और अब बीते हफ्ते ही उसकी भी जान ले ली। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।